नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके वीडियो का जो पहला पार्ट था, जिसमें मैंने 3D मॉडल बना के आपको दिखाया था कि फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में और साइड व्यू में कैसे दिखेगा, अभी उसका मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में वो कैसे ड्रॉ करना है। वापस एक बार डायग्राम को रिपीट करते हैं। ये साइड से आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू देखना है ऊपर से, टॉप व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या देखना है आपको, साइड व्यू देखना है। तो ड्रॉ करते टाइम क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले बॉक्स मेथड यूज़ करना है। बॉक्स मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप अभी फ्रंट व्यू निकाल रहे हो तो आपको क्या क्या दिखेगा, ये जो हैचिंग वाला पोर्शन है ये दिखेगा, ये पोर्शन और उसके साथ ये वाला पोर्शन दिखने वाला है। तो अभी लेंथ कितना है, 100 का है, फिर उसके बाद हाइट कितना है, 45 का हाइट है। मतलब आपका जो बॉक्स आएगा वो 100 × 45 का आपका बॉक्स रहेगा। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करने के बाद मेरा ये साइड लेंथ कितना है, 100 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 मैच किया और यहाँ पे 0 पे क्या कर लेता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरा हाइट कितना है, 45 का हाइट है, तो मैं 45 पे यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू क्यों बना रहा है वो बताता हूँ, क्योंकि ये कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपके फ्रंट व्यू के ये साइड जाता है, ठीक है। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका जो भी कुछ फ्रंट व्यू रहेगा वो इसके अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी ये हाइट कितना है, 15 mm का है, ऊपर का हाइट 15 mm का और ये 15 mm का है, मतलब जो स्टेप्स है वो 15 mm के स्टेप्स है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 15 mm का मार्किंग कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना आता है तो आपको क्या करना है, रफ में उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। अभी रफ में कैसे बनाना है देखो, ये जो लाइन है ये ऐसे मुझे ये दिखता है, कंसिडर करो मुझे इतना पोर्शन दिख रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा, रफ में इतना ड्रॉ कर लूँगा। बाद में मुझे ये स्क्वायर दिखता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे ये स्क्वायर ड्रॉ कर लूँगा। फिर मुझे ये ऊपर वाला स्क्वायर दिखता है तो मैं ये ऊपर वाला स्क्वायर, ये हो गया फ्रंट व्यू। सेम ऐसे ही फ्रंट व्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पे उतारना है। तो 15 mm की मार्किंग कर लेता हूँ, ये 15 mm की मार्किंग हो गई। और फिर ये कितना है, 25 है, तो मुझे 25 का भी मुझे यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा। ये 25 का मार्किंग हो गया। अभी देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और ये जो लाइन है वो कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, मतलब ये 15 तक आ रही है यहाँ पे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ तक लाइन आ गई, ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। ओके, ऐसा ही आपका फ्रंट व्यू रहेगा, ये लाइंस फेंट होनी चाहिए। अभी टॉप व्यू आपका कैसे आएगा वो देखना है आपको। ऊपर से देखने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन दिखेगा आपको, उसके बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन दिखने वाला है। ओके, तो इसके कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, ये ऐसे पहले यल बना लूँगा, ये यल बनाने के बाद ये स्क्वायर दिखता है मुझे, ये स्क्वायर यहाँ पे, और बाद में फिर ये स्क्वायर दिखता है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे, ऐसे मेरा क्या होगा, टॉप व्यू आएगा। तो अभी टॉप व्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के जो प्रोजेक्शंस है वो क्या करना है आपको, नीचे लेके जाना है। ओके, फिर ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो ये 75 है, ये 25 है, ये 25 है, तो ये कितना रहेगा, 25 रहेगा। मतलब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से 25 पे मार्किंग करना है, मतलब
ये डिस्टेंस 25 है, ये डिस्टेंस 25 है और ये डिस्टेंस 25 है, और ये कितना है 75 है, मतलब मेरा लेंथ जो है वो 100 ही रहेगा और ये जो है वो कितना रहेगा 75 रहेगा। मुझे मतलब क्या मुझे क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 75 का यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी जो भी कुछ आएगा ये बॉक्स के अंदर ही आने वाला है। अभी क्या करूँगा यहाँ पे मैं 25 mm का मार्किंग कर लेता हूँ, ओके। और फिर ये जो है ये ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है देखो, ये 25 वाला पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक ये डार्क हो गया, ओके। देखो ये पोर्शन बना लिया मैंने ऐसे। अभी मुझे क्या बनाना है, ये दो स्क्वायर्स बनाना है, ओके। ऑलरेडी मार्किंग किया था इसलिए मुझे अब कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं गिरी। हो गया आपका टॉप व्यू, आप देख सकते हो ये टॉप व्यू यहाँ पे बन गया है। साइड व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी एक 45 mm का एंगल का मार्किंग कर लो। ये यहाँ पे 45 है, यहाँ पे मैंने मार्किंग किया और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद जितने भी प्रोजेक्शंस है टॉप व्यू के वो आपको क्या करना है, फ्रेंटली यहाँ तक कनेक्ट करना है ये लाइन तक। ओके और फिर ये प्रोजेक्शंस क्या करना है आपको 90 डिग्री में ऊपर लेके जाना है। अभी मैं ड्राफ्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो लाइंस थोड़ी बहुत क्रॉस वगैरह आ सकते हैं, लेकिन आप कंसेप्चुअली समझ के ले लो। अभी साइड व्यू कैसे आएगा वो देख लो। पहले साइड व्यू में देखते टाइम मुझे क्या होगा, ये ऐसा पोर्शन दिखने वाला है सबसे पहले, और बाद में ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो मैं पहले ये बना लेता हूँ। हाइट कितना है 45 और लेंथ 75। लेंथ तो क्या हो गया आपका टॉप व्यू से ट्रांसफ़र हो गया और हाइट फ्रंट व्यू से ट्रांसफ़र हो गई। बस ये जो लाइन है इसको क्या करना है आपको ऐसे आगे लेके जाना है। आगे लेके जाने के बाद आपको स्टेप्स बनाने हैं। स्टेप्स बनाने के लिए जो इधर के साइड व्यू फ्रंट व्यू के जो प्रोजेक्शन थे ये साइड पे ले लो। बस इसको क्या करना है आपको ऐसे ज्वाइन करना है। आपको डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया जैसे मैंने बताया था, ये वाला पोर्शन हो गया। अभी ये पोर्शन कैसे बनेगा, ये पोर्शन के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ से यहाँ तक डार्क लाइन, यहाँ से यहाँ तक डार्क लाइन, वो आपका पोर्शन बन जाएगा। ओके ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।